नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोचक फैक्ट्स 003 में। दोस्तों आप सभी जानते हैं दुनिया के हर देश में शादी के लिए अलग अलग तरीके के कानून हैं। भारत में भी हिंदू धर्म में पहली बीवी को बिना तलाक दिए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ हर मर्द को दो शादी करना अनिवार्य है। अगर किसी पुरुष ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया तो उसे अपना जीवन सलाखों के पीछे बिताना पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप के देशों में शादी को लेकर सभी जगह लगभग अलग अलग कानून हैं, लेकिन ऐसे कानून दुनिया के किसी और देश में नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप के एक देश में यह अजीबोगरीब कानून है। यहाँ पर मर्दों को दो शादी करनी अनिवार्य है। अगर किसी शख्स ने शादी करने से मना कर दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। आपको इस अनोखे देश के कानून के बारे में जानकर हैरानी हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे क्या किसी देश में ऐसा भी कानून हो सकता है। आइए जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के इस देश के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के इस देश में दो शादी करने के लिए अनोखा कानून बनाया गया है। इस अफ्रीकी देश का नाम इरिट्रिया है। यहाँ पर पुरुषों को दो शादी करना अनिवार्य है। अब पुरुष खुशी मन से शादी करे या दुखी मन से शादी करे, लेकिन दोनों शादियां करना उनके लिए जरूरी है। अगर कोई पुरुष शादी करने से या दो बीवियों को रखने से इनकार कर देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। अगर कोई दो शादी करने से इनकार करता है तो उसे आजीवन जेल की सजा भी मिलती है। इस देश में महिलाओं की वजह से यह अनोखा कानून बनाया गया है। इरिट्रिया में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। इरिट्रिया का इथियोपिया से गृह युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस देश में महिलाओं के लिए भी बड़ा कड़ा कानून है। यहाँ की महिलाएं पुरुषों को दो शादी करने से नहीं रोक सकती हैं। अगर उन्होंने शादी में कोई बाधा उत्पन्न की तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।